और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अब महाराष्ट्र की, जहां विधानसभा चुनाव के में सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच चर्चाओं का दौर जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सीटों के बंटवारे को लेकर महायुति में मंथन जारी है और इसके लिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार कल रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए दिल्ली भी पहुंचे। तो वहीं दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में भी सीटों के बंटवारे के लिए चर्चाओं का दौर जारी है। भले ही महाविकास अघाड़ी के नेता ये कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा अंतिम चरण में है, लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेताओं में भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान दिखाई दे रही है। इसी बीच शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम नहीं है, इसलिए संभावना है कि मावियां सीट आवंटन में थोड़ा वक्त लगेगा। तो जिस तरीके से देखा जाए तो एक चरण में मतदान होना है और विधानसभा चुनाव की घोषणा महाराष्ट्र के लिए हो चुकी है, लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सीट बंटवारा किस तरह से होगा, क्योंकि महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर हलचल देखने को मिल रही है। तो वहीं महाविकास अघाड़ी की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि दिल्ली का भी रुख किया जाएगा, यानी कि कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारे पर सहमति अभी नहीं बन पा रही है, जिसको लेकर अभी सीट बंटवारे में थोड़ा और समय लगता हुआ कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में नजर आ सकता है। हालांकि मंथन लगातार जारी है और इसी मंथन के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें और ख़राब होती हुई और आक्रामक रुख भी इसी बीच नज़र आ रहा है, खासतौर पर महाविकास अघाड़ी के नेताओं में इसको लेकर खींचतान नज़र आ रही है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे ने पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाते हुए कहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस सीट बंटवारे में सक्षम ही नहीं है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर शैलार इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शिशिर, अगर देखा जाए तो महायुति और महाविकास दोनों में ही लगातार चर्चाएं की जा रही हैं, और अगर महायुति की अगर हम बात करें तो कल देर रात तक गृह मंत्री के घर पर ये बैठक हुई है और इस बैठक में सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं की गई। शिशिर, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास में फिलहाल? बिल्कुल, देखिए दोनों तरफ मतलब महायुति के नेताओं की बैठक इस वक्त जारी है। महायुति के जो नेता थे एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार कल दिल्ली में थे। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से उनके सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई, ढाई घंटे तक यह बैठक चली। हालांकि प्रमुख जैसे कारण हम कह सकते हैं, हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कोई बयान अब जो पार्टी नेता उन्होंने नहीं दिया, लेकिन जो कारण यहाँ बताया जा रहा है कि सीट बंटवारा किस प्रकार से हो और जो सीटों पर पेंच फंसा है उसको किस प्रकार से सुलझाया जाए, किस पार्टी को कितनी सीट मिलेगी, ये प्रमुख तौर पर मुद्दा जो है इस बैठक के पीछे का रहा है। हालांकि इससे पहले भी जो है नेताओं की बैठक हुई थी, इससे पहले परसों के दिन जब हरियाणा में शपथ विधि हुआ था मुख्यमंत्री का, उस वक्त भी जो है जो नेता थे महायुति की वो दिल्ली में थे और उस वक्त भी उनकी बैठक दिल्ली में हुई थी। तो ऐसे में इस वक्त महायुति की बात करें तो बैठकों का दौर जारी है। जो महायुति के नेता, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 80-90% सीटों का बंटवारा हो चुका है, कुछ सीटें जो है उस पर चर्चा भी जारी है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर अगर महायुति की बात करें तो महायुति में 80-90% सीटों का बंटवारा हो चुका है, ये कहना है महायुति के नेताओं का। कुछ दिनों पहले ये बयान जो है देवेंद्र फडणवीस ने भी दिया था कि कुछ दिनों में ये मुद्दा जो है सुलझ जाएगा। अब बात करते हैं महाविकास आघाड़ी की। महाविकास आघाड़ी हालांकि में भी अगर देखा जाए, इससे पहले बैठकों का दौर शुरू था मुंबई में थी, जो है महाविकास आघाड़ी के नेता थे संजय राउत, उद्धव बाला साहब ठाकरे की सेना से नाना पटोले जो कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस है अध्यक्ष है, और वही बात करें राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की तो जयंत पाटिल समेत बाकी नेता इस बैठक में मौजूद थे। यहाँ पर भी अगर बात करें महाविकास आघाड़ी के नेताओं में भी तकरीबन 3-4 बैठकें हो चुकी है, लेकिन सबसे प्रमुख मुद्दा यह है जो कि कल संजय राउत के बयान से सामने आया, उन्होंने तंज कसा है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं की वजह से जो है टॉक्स डीले हो रही है, शायद वो सक्षम नहीं है और इसीलिए जो है इस वक्त जो है बैठक महाविकास आघाड़ी के नेताओं में जल रही है। हालांकि इस बयान के बाद कांग्रेस, खासतौर पर महाराष्ट्र कांग्रेस में अगर देखा जाए तो काफी नाराजी इस बारे में दिखाई दे रही है। आज कांग्रेस के प्रभारी जो है इलेक्शन प्रभारी चन्नीथला, वो मुंबई आएंगे, फिर से एक बार बैठक का दौर शुरू होगा, लेकिन सवाल क्या ये है
कि शिवसेना इस बैठक में शामिल होगी या नहीं होगी, जिसमें नाना पाटोले भी शामिल है। तो ऐसे में इस वक्त जब सीट शेयरिंग की बातें चल रही है, तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी में खींचतान जो है अब सामने आ चुकी है। जिस तौर से महाविकास आघाड़ी के नेता खुले तौर पर मीडिया में ये बयानबाजी कर रहे हैं। जी आशीषर, अगर देखा जाए तो हम देख पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, कांग्रेस के साथ भी सीट शेयरिंग पे बात नहीं बन पा रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव का बयान इस बारे में हमने, और खासतौर पर जो इंडी गठबंधन है उसके जो प्रमुख घटक पक्ष है उनका बयान अगर देखा जाए, तो उन्होंने कांग्रेस को लेकर बयान कहा था कि जहां तक हम बात करें जम्मू श्रीनगर चुनाव के नतीजों की, तो उसमें कांग्रेस जो है महा जो हिंदी अलायंस है वो बनकर लड़ी थी, और इसीलिए वहां पर जिस प्रकार से जो बाकी पार्टीज है उसके साथ मिलकर जो है उनको वहां पे एक सक्सेस मिली थी। तो यही बात जो है शायद अखिलेश यादव भी दर्शाना चाहेंगे कि वो एक हिंदी गठबंधन है और हिंदी गठबंधन में उनका भी एक सहभाग है, तो ऐसे में उनको भी महाराष्ट्र में सीटें मिलनी चाहिए। उनका कल का दौरा महाराष्ट्र में था, कल उन्होंने नासिक मालेगांव में जो है वो सभा भी संबोधित किया था, तो ऐसे में वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में उनकी पार्टी को भी जो है एक सीट मिले। वो किस प्रकार से मिलती है, कांग्रेस में किस प्रकार से निर्णय लेती है, वो प्रमुख मुद्दा रहेगा। लेकिन इस वक्त सपा के महाराष्ट्र में विधायक मौजूद है, और इसीलिए अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के नाते उनको भी जो है इस पूरे सीट शेयरिंग में कुछ सीट्स मिल जाए। जी आशीष, लेकिन जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी में कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर बहुत बड़ा पेच इन दिनों फंसा हुआ हमें नजर आ रहा है, और प्रचार अभियान अभी अब शुरू हो चुका है, तो ऐसे में जब सीट शेयरिंग ही नहीं हो पा रही ढंग से, तो क्या ये माना जाए कि आखिर सीट शेयरिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और जो कि आगे आने वाले वक्त में महाविकास आघाड़ी के लिए और ज्यादा परेशानी का सबब बनेगी? बिल्कुल प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम इसलिए भी है क्योंकि हालांकि अब तक तो महाविकास आघाड़ी के नेता कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, आखिरी दौर की बातचीत चल रही है, कुछ ही सीटों पर जो है कुछ इश्यूज है वो सॉर्ट आउट किए जाएंगे, उसको फिर जो है जो भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला है वो घोषित किया जाए। लेकिन कल के जो संजय राउत के बयान से ये बात स्पष्ट होती है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता है उनकी और शिवसेना की शायद नहीं बन रही है, और इसलिए जो उन्होंने बयान दिया था कि महाराष्ट्र के नेता सीट बंटवारे के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि बार बार ये बात दिल्ली में ले जाई जा रही है, तो ऐसे में इसमें काफी वक्त लग रहा है, और ये वक्त लगने के कारण जो है सीट बंटवारे में भी जो है वो और देरी हो सकती है, जिसका परिणाम जो है चुनावी जो माहौल उस पर हो सकता है। ये संजय राउत का बयान था, तो इस बयान की अगर हम ठीक से अगर उसका विश्लेषण करें तो ये स्पष्ट रूप से इस वक्त दिखाई दे रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और अब ये मीडिया में भी आ चुका है, तो इसका असर जो है अगर धीरे और ये देर लगती है सीट बंटवारे को लेकर, तो महाविकास आघाड़ी पर इसका असर जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए शिशिर।